मैंने इसे करवा कक्षा 12 के सिलेबस में डे 147 में है, 11वां चैप्टर चल रहा है हमारा रे ऑप्टिक्स, जिसमें हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए थे। प्रिज्म हमारा टॉपिक चल रहा था काफी दिन हो गए, बीच में कुछ कारणों से क्लास नहीं हो पाई, कुछ लंबे सफर के कारण। अब हम आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना प्रिज्म के बारे में, वैसे हमने पढ़ लिया था काफी दिन हो गए, दोबारा थोड़ा थोड़ा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब आगे हम बात करेंगे प्रिज्म से अपवर्तन, जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आप डे 146 146 को जरूर देख ले तो आपको पता चल जाएगा उसमें कि प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है, प्रिज्म क्या होता है और कौन कौन सी वैल्यूज प्रिज्म में यूज की जाती है, प्रिज्म कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, थोड़ा सा हम या ब्रिज में इसको डिस्कस करेंगे और रिलेशन निकालेंगे बिटवीन आई ई डेल्टा एंड ए, इन सब की बात कर लेते हैं। तो आप 146 जरूर देख ले पहले, थोड़ा सा उसमें डिटेल से हमने इसको डिस्क्राइब किया है, इसकी इनिशियल चीजों को। अब हम आगे बात कर रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तन, जो पिछली क्लास में भी है इसमें भी हम बात कर रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तन, और फिर इनमें हम रिलेशन लेंगे चारों वेरिएबल्स में। आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ ये ई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ एमिशन, निर्गत कोण, डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, ए जो है प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण है। अब पहले हम बात करते हैं, जो डायग्राम हमने लास्ट क्लास में बनाया था, बात की थी, वो डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल के लिए भी, और प्रिज्म के थ्योरी के जितने भी टॉपिक हैं सभी में वो उसी डायग्राम से सॉल्व होंगे सारे टॉपिक, और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम खासकर 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हमने प्रिज्म इसमें बनाया था, इस प्रिज्म से अपवर्तन की बात करते हैं पहले, तो अपवर्तन किस प्रकार से होता है इसमें, ये कोई प्रिज्म हमने नाम दे दिया, एक ट्रायंगुलर शेप में है ए बी सी, किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन हम जो यूज करते हैं नॉर्मली लैब में जो यूज करते हैं वो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का यूज करते हैं, जो क्या होता है इक्विलैटरल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो प्रिज्म एंगल, ये प्रिज्म एंगल है, इसको हम ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण है, ये 60 डिग्री का होता है, लेकिन हम यहाँ 60 डिग्री नहीं लेते, हम इसको डेरिवेशन जब करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में करते हैं तो उसको ए ही लिखते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये 60 डिग्री हो, हम लैब में जो यूज करते हैं उसमें 60 डिग्री होता है, बाकी कोई जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो फिर उसका एंगल भी कोई भी हो सकता है। नॉर्मली डेफिनेशन क्या है प्रिज्म एंगल की, जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है और जिस सतह से प्रकाश किरण बाहर निकल जाती है, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। अगर प्रकाश किरण इधर से आएगी और इधर से निकलेगी तो ये कोण प्रिज्म कोण हो गया, अगर इधर से आएगी और इधर निकल जाएगी तो ये प्रिज्म कोण हो गया, अगर इधर से आ रही है और इधर निकल रही है, तो इन दोनों सतहों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ऊपर दाएं काट एक दूसरे को, ये कोण बन रहा है, तो ये एंगल ए जो है ये प्रिज्म कोण होता है। तो डेफिनेशन क्या हुई, आपतित जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है तथा जिस सतह से बाहर निकलती है, उन दोनों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। अब प्रकाश किरण आपतित होती है सतह पर, कोण हमेशा हमें पता है किसके साथ बनते हैं, इसके साथ अभिलंब के साथ, अभिलंब क्या होता है, उस सतह से 90 डिग्री पर जो खींची रेखा है वो उसका अभिलंब होती है, ये 90 डिग्री इस सतह के 90 डिग्री है, तो ये जो कोण है जिस पर आपतित होती है प्रकाश किरण, ये इसका क्या कहलाता है, आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण है ये। अब ये प्रिज्म कांच का है, नॉर्मली ग्लास है ये, तो ये सघन माध्यम है, बाहर एयर है, हवा है इधर, तो ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और ये अंदर कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
नहीं मुड़ती तो इसको सीधी ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर मुड़ जाती है, जिधर अभिलंब है, इधर अभिलंब, इधर मुड़ जाती है, तो इधर मुड़ जाती है। ये जो कोण है ये इस सतह से अपवर्तन कोण है, कौन सी सतह से, सतह स्मॉल ए बी जो सतह है उस सतह से अपवर्तन कोण है। लेकिन हम इसको आर नहीं लिखेंगे, कैपिटल सॉरी स्मॉल आर जो लेते हैं वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार और अपवर्तन होगा, फिर ये जो अपवर्तित किरण है इस सतह पर आपतित हो रही है, तो इस सतह के लिए तो क्या हो गई, आपतित किरण होंगे, इंसिडेंस रे होंगे, लेकिन इस सतह के लिए अपवर्तित हुई है तो ये अपवर्तित किरण होगी, तो दोनों तरफ बिहेव कर रही है, इस सतह के लिए अपवर्तित का बिहेव कर रही है, अगली सतह के लिए आपतित का बिहेव कर रही है, इसीलिए इसको हम नाम दे देते हैं आर वन, अकॉर्डिंग टू बुक्स ले रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं वैसे कोई इश्यू नहीं है, किताबों में जैसे यूज करते हैं वैसे हम यूज कर रहे हैं इसको, आर वन दे दे, नहीं याद रहे तो कोई जरूरी नहीं है भाई, आर वन कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या होगा, यहां पर जो कोण बढ़ेगा वो भी अभिलंब के अनुसार बढ़ेगा, इस पॉइंट पर अभिलंब देखें तो इसका 90 डिग्री कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा इसका 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं काटेंगे। ये तो कोण है अभिलंब के साथ आपतित किरण का बनने वाला कोण, आपतन कोण है, ये भी कांच के अंदर है, ये कांच का टुकड़ा इतना बड़ा इसके अंदर है, इसको मान लेते हैं क्या है आर टू, ये अंदर की वैल्यूज है जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए जो वैल्यूज हमें नहीं पता होती है वो अगर डेरिवेशन में आ भी रही है तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी उनको गिवन वैल्यूज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब यहां से जब प्रकाश किरण अभी से बाहर निकलेगी तो सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब की ओर नहीं जाएगी, अभिलंब इधर है तो इधर नहीं जाएगी, इसकी दूसरी साइड जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये यहां नहीं मुड़ती तो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये दूर हटेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब जो अब किरण बाहर निकल गई, अब फिर क्या हो गया, इसका अपवर्तन हो गया, ठीक है, अब ये दो बार अपवर्तन के बाद बाहर निकली, इसलिए इसको कह देते हैं एंगल ऑफ एमिशन, निर्गत कोण कह देते हैं, और ये जो किरण है वो निर्गत किरण कहलाता है, इसको ई से लिख देते हैं, ई से, ठीक है, यहां सारी बातें हम कर लेते हैं, आई क्या है, आपतन कोण है, एंगल ऑफ एमिशन, ई क्या है, सॉरी आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है, निर्गत कोण है, एंगल ऑफ एमिशन, एमिशन एंगल, और ए ऊपर लिखा ही है प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है। अब आती है बात डेल्टा हो जाएगा, उसकी बात और कर लेते, डेल्टा क्या है, शॉर्ट में एक नंबर में परिभाषा पूछ लेते हैं, अभी ध्यान रखिए आप किसकी, खासकर प्रिज्म कोण क्या है, तो जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है और जिससे बाहर निकलती है दोनों के बीच बनने वाला कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, और विचलन कोण के बारे में पूछ लेते हैं, तो विचलन कोण क्या है, आपतित किरण को अगर आगे बढ़ाएं तो ये कहीं नहीं मुड़ के सीधी इधर जाएगी, निर्गत किरण को अगर पीछे बढ़ाएं तो ये या काटेगी एक दूसरे को, ये जो एंगल है वो क्या कहलाता है, विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब है कि आपतित किरण जो कितनी मुड़ी है, कितनी विचलित हुई है, कैसे पता चले, अपवर्तन तो दो बार हो गया, लेकिन अगर ये नहीं होता अपवर्तन तो ये तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में क्या है, इस बात को बोलते हैं वास्तव में क्या है, पूरा प्रोसेस होने के बाद में ये है किरण, जो किरण ये आ रही थी वो इधर चली गई, जो इधर आ रही थी वो इधर चली गई, तो कितना मुड़ी कैसे पता चले, इसको भी बढ़ा दो और इसको भी पीछे बढ़ा दो, जहां काटेंगी वो पता चल जाएगा कौन सा कौन है। प्रैक्टिकल में हम ये करते हैं, हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी होती है, हम आपतित किरण आपतित करते हैं, वहां ऑलपिन लगा के करते हैं, उसके हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बात करेंगे कैसे करते हैं, और निर्गत किरण जो है वो इस तरह से निकल जाती है, तो इसको पीछे बढ़ा देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर जहां ये काटती है वही एंगल जो है वही एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है, विचलन कोण। तो ये कह सकते हैं आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है, इनकी डेफिनेशन हमने लिखी थी पिछली क्लास में 146 में, आप उसको देखें। फिर डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन,
एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं। और प्रैक्टिकल में ये होता है कि आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाना होता है। आपतन कोण हम लेते हैं, विचलन कोण हम ज्ञात करते हैं, उसके बीच में ग्राफ बना लेते हैं, वही क्या कहलाता है, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य का ग्राफ कहलाता है। अब ये इतनी बातें तो हो गई इसकी, अब हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इसके लिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर और इसको नाम दे देते हैं एस। अब हमें रिलेशन किस किस में निकालना है, ये चारों बातें हमें पता है, इनके बीच में हमें संबंध निकालना है, जो अगले टॉपिक में फिर हम यूज करेंगे। यानी अगर एग्जाम में प्रिज्म आता है तो डेफिनेटली हम आज की क्लास में जो पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे और हो सकता है एक क्लास और भी आ जाए, इन दो या तीन क्लास में जो पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा चार नंबर का। और ये प्रोसेस कुछ भी पूछ ले, ये प्रोसेस हमें करना ही है। ये डायग्राम आपको समझ में आया होना चाहिए, ये आया हुआ तो प्रैक्टिकल का भी 70% काम हो जाएगा और थ्योरी में या प्रिज्म से संबंधित कुछ भी आ जाए वो भी 70% काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि सारे डेरिवेशन इसी डायग्राम से होंगे। अब हम इससे कैलकुलेशन करके इनमें संबंध निकालेंगे। ये हमें ए दिखाई दे रहे हैं, ये हमें डेल्टा दिखाई दे रहा है, ये आई दिखाई दे रहा है और ये ई दिखाई दे रहा है। आई और ई प्रिज्म के बाहर है, ए प्रिज्म कोण है, सतहों के बीच का कोण है, भुजाओं के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। डेल्टा हम डेरिवेश उसे प्रैक्टिकली हम उसको सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो हमें इनमें रिलेशन, ये चार ज्ञात वैल्यूज है हमारे पास, ज्ञात वैल्यूज है जिनको जो हमें पता है यह हम पता कर सकते हैं। ये अंदर की बातें हैं, प्रिज्म तोड़ के हम कुछ नहीं निकाल सकते, उसमें से कुछ नहीं बता सकते। तो आर वन आर टू जो है इनको हम नहीं बता सकते, इनका यूज करते हुए हम बाकी से इनका रिलेशन डेराइव करेंगे बस। तो हमें क्या करना है, हमें इस डायग्राम को देखना है और इस डायग्राम को देखते हुए हमें बात करनी है भाई डेल्टा ए आई और ई को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं। उसके लिए यहां से देखें, ये जो त्रिभुज है पी आर और एस, ये ऊपर वाला छोटे वाला त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में देखें तो इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर ये बनने वाला बहिष्कोण है, ये दोनों अंदर के कोणों के योग के बराबर होगा। अंदर के दोनों कोण कौन से होंगे, एक ही होगा और एक ही होगा, ये भी हमें पता नहीं है, इमेजिनरी है, इनको भी हम मान रहे हैं, इनको भी हम हटा देंगे बाद में। तो इनको डेल्टा के पार्ट है ये, इसलिए इसको रख दिया नाम डेल्टा वन और इसको रख दिया नाम डेल्टा टू। तो एक त्रिभुज ये है, मैं यहाँ शोर्ट में बढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर ये डायग्राम समझ में आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती किसी भी तरह की कैलकुलेशन में, कुछ भी नहीं है। हम कक्षा सात की कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर, केवल कक्षा सात से आगे की कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। तो यहाँ ये तो है डेल्टा लिखा है हमने, ये लिखा है हमने डेल्टा वन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये है डेल्टा टू एंड दिस इज अ पॉइंट पी, दिस इज अ पॉइंट आर एंड दिस इज अ पॉइंट एस। नाउ बाय ट्राइंगल पी आर एस वी कैन से डेल्टा विल बी सम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। डेल्टा की जो वैल्यू है वो डेल्टा वन और डेल्टा टू के योग के बराबर होगी, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला कोण बहिष्कोण होता है वो एक्सटीरियर एंगल, जो दोनों इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा थ्योरी लेने की जरूरत नहीं है, भाई ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू, आप इस तरह से लिखिए हमेशा प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी, कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, अब हम बाय ट्राइंगल पी आर एस क्या आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा, समीकरण नंबर ए। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हमें बहुत इजी वे में पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। हमें अब क्या करना है अगला स्टेप, कि डेल्टा तो आ ही गया, डेल्टा हमें रिलेशन में चाहिए, डेल्टा आ गया, अब तो डेल्टा का कुछ नहीं करना, डेल्टा डेल्टा एज इट इज रहेगा। अब हमें इसमें एक आ गया डेल्टा वन और एक आ गया डेल्टा टू, तो डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू हमें पुट करनी है, पुट करनी है इसका मतलब डेल्टा वन और डेल्टा टू वहां से हट जाएगा, उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यूज आती है वो आई ई ए में आती है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, आर वन आर टू में आती है तो हमें उनको भी हटाना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम देख लेंगे क्या है हमारे पास, त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक चतुर्भुज है ये वाला,
एक ये बड़े वाला चतुर्भुज है, यही है त्रिभुज चतुर्भुज को यूज करना है। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के चार सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सबको पता है, ये पांचवी क्लास की बात है। तो कोई ज्यादा इसलिए मैंने कहा कि अपने सेवंथ क्लास के ऊपर का कोई कैलकुलेशन यूज नहीं करेंगे, कंसेप्ट हमारे हमें पता होना चाहिए बस कि ये क्या है, ये हमारा ट्वेल्थ क्लास का मैटर है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें आगे डेल्टा वन और डेल्टा टू की, डायग्राम साथ साथ मैं बढ़ा देता हूँ छोटे छोटे ओवर में। अब हम डेल्टा वन किस में है, इस सतह से अपवर्तन हो रहा है, इसके अंदर है, तो किसे ए बी सतह से अपवर्तन में, ए बी सतह से अपवर्तन में देखो क्या है, ए बी सतह ये है, ए बी सतह थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं, ए बी सतह ये आ रही है आपतित किरण और ये जा रही है इधर ऐसा, ये अभिलंब हमने बनाया है, ये पॉइंट है पी, ये जो कोण है आई। अब हमें पता है दो रेखा एक दूसरे को जब काटती है तो चाहे इधर से देख लो, ये क्या बोलते हैं इनको, कोण से कोण होते हैं, शीर्षा भी कोण होते हैं शायद, ये दोनों को क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं भाई, इधर का जो बढ़ेगा उधर का भी वही बढ़ेगा, वही दो रेखाएं काट रहे, तो यहां पर भी क्या हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, लेकिन इस कोण के बीच में हमारे पास पूरा सिंगल कोण नहीं है, हमने बीच में अपवर्तित किरण ले ली, तो इसको नाम दे दिया हमने डेल्टा वन और इसको नाम दे दिया हमने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई जो किसके बराबर हो जाएगा, पूरा कोण तो क्या है, दोनों को जोड़ दो पूरा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे तो पूरा हो जाएगा, इट मीन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस आर वन। तो हमें इस अपवर्तन से दिखाई दे रहा है, अपवर्तन का नियम नहीं लगाया हमने, तो सीधी सी बात दिख रही है कि ये दो लाइनें काट रही है एक दूसरे को, काट रही है, तो ये कोण और ये पूरा कोण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब ये पूरा कोण दो टुकड़ों में है, डेल्टा वन और आर वन, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन, डेल्टा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वन इधर आगे माइनस में आ जाएगा, तो आई माइनस आर वन, एक मान आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन देते समीकरण पर, डेल्टा वन का मान आ गया, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, हमें याद कुछ रखना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है याद रखने की, ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। डेल्टा की वैल्यू आ गई अपने पास, आई की वैल्यू आ गई, सॉरी आई की वैल्यू हमने ले ली, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा बन गया। अब क्या निकालना है, डेल्टा टू, अब डेल्टा टू जब ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा टू दूसरी साइड में है, दूसरी साइड में है, तो कौन सी सतह है, वो ए से सी है, तो ए सी सतह से अपवर्तन में, उस अपवर्तन वाली कंडीशन में क्या घटना हो रही है, अपवर्तन का तो नियम लग ही रहे हैं, अपने तो सीधे बात कर रहे हैं कि ये स्थिति है अपने पास, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, आप भी अगर समझ में नहीं आए तो इस तरह से डायग्राम बना लें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अपने पास एक तो क्या है, ये जा रहा है ई एंगल, ठीक है, और इसको हमने बढ़ा दिया पीछे, ये है सॉरी, ये एंगल हमने गलत दे रहे हैं, ये एंगल ई यहां होता है, विलंब के साथ बनता है त्रिकोण, ध्यान रखिए करेक्शन कर लिया, अब विलंब के साथ बनता है कोण ये, तो ये तो हो गया, सीधी लाइन आगे बढ़ा दें पीछे की तरफ, इसको बढ़ा दिया, ये आ रहा है इसका विलंब, ये कोण हो गया निर्गत कोण ई, जो किसके बराबर होगा, इन दोनों के, ये कोण और ये कोण दिख रहा है सीधा सिंपल हमें बराबर होंगे, लेकिन इधर वाला कोण दोनों के योग के बराबर है, तो वही बात इधर आ जाएगी, ठीक है, ये जरूर करेक्शन कर लेना, अभी गलत लिख दिया मैंने, ये ई कोण यहाँ, कोण हमेशा विलंब के साथ बढ़ते हैं, कॉमन बात हमें पता है, उसका ध्यान रख लें आप लीजिए ऐसे सही, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टू प्लस आर टू, तो डेल्टा टू इज इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस आर टू, समीकरण नंबर तीन। अब अपने क्या दिख रहा है भाई, समीकरण एक में क्या है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हमने निकाल लिया दोनों के मान, अब करना क्या पड़ेगा, निकाले क्यों है, क्यों निकाले, क्योंकि हमें चाहिए थे, अच्छा ये इसलिए क्या करें, रख दे वहां, तो समीकरण एक से, समीकरण एक में मान रखने पर, तो समीकरण एक से डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या रखें, डेल्टा वन का मान आई माइनस आर वन प्लस क्या आ जाएगा, ई माइनस, इनको ऐसा लिख दो, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, देखो ये आ गया ना, आई आ गया, ई आ गया, डेल्टा आ गया, हो गया ना, अब इनका कुछ नहीं करना है, अब इनमें से देखो क्या है, माइनस आर वन माइनस आर टू,
दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, आर वन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आ गया आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस, अब दिक्कत फिर आ गई क्या, आर वन प्लस आर टू आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर वन प्लस आर टू को भी यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है, इसलिए इनको हम हटा देंगे यहां से। अब हटाने के लिए जो देख लो क्या कैलकुलेशन बनती है, क्या कैलकुलेशन करें इसके अंदर, ए नहीं आ रहा, ए का रिलेशन हमें आर वन आर टू से लेना है, ए का रिलेशन हमें लेना है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एक ये चतुर्भुज यूज कर रहे हैं जो है ए स्मॉल ए से पी तक जा रहा है, फिर क्यू तक जा रहा है, फिर आर तक जा रहा है और फिर वापिस ए तक जा रहा है। हम इन बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं बीच में, इसके लिए फिर मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं कि ये पॉइंट ए है अपने पास, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और इस तरह से है ये पॉइंट आर है, बाकी तो आगे लाइन बढ़ी हुई है, ये आगे इस तरह से आगे ये आगे ये त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए यहां से ये क्या है, ये तो ये लाइन ये नहीं डॉटेड है, इसको मैंने डायरेक्ट बना दिया डॉटेड बना दिया, ये भी डॉटेड है, डॉटेड किसको बता रही है, अभिलंब को बता रही है। तो अभिलंब है, अभिलंब का मतलब क्या होता है, अभिलंब का मतलब होता है जो 90 डिग्री कोण बनाता है, इस अभिलंब का मतलब क्या, जो 90 डिग्री कोण बनाता है, ये कौन सा कोण है, प्रिज्म कोण है, ये कोण हमें पता नहीं है, इसको कोण क्यू लिख दो या जैसे अपने लिखते हैं भाई दोनों तरफ के पॉइंट भी साथ में लिखते हैं पी क्यू आर लिख दे, तो बीच वाली वैल्यू जो होती है वो कोण भी होती है, ऐसा हम लिखने का तरीका ऐसा, तो ऐसे लिख देंगे अपने इसको। तो चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो किससे चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज ले रहे हम, ए पी क्यू आर से बंद करो तो ए तक वापिस ले जाओ, ए से बंद हो गया ना। अब देखें क्या मान आएगा, ए प्लस इस कोण को चाहो तो डायरेक्ट लिख दो और डायरेक्ट पूरा लिखो, तो भाई ए पी क्यू ऐसे लिख दो, ये एंगल ए हो गया प्लस एंगल क्या आएगा ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए बराबर कितना है, अब ये और ये कितना है 90 90, ये और ये कितना है 90 90, तो ये तो रखते ए प्लस 90 प्लस पी क्यू आर, ये अपने को नहीं पता है इसको भी हटाना पड़ेगा हमें, बराबर 300 90 90 180, उधर गए माइनस 180, 360 में से 180 घटाए तो 180, तो एंगल आ गया अपने पास एंगल ए प्लस एंगल ओ पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 180, समीकरण नंबर दे दो इसे 5। अब अपने पास एक नई प्रॉब्लम आ गई भाई कि ये क्या है, दूसरी बात अपने को आर वन प्लस आर टू की जगह रखना था, ये नई बात आई। अब हमें क्या करना पड़े, हमें इसके लिए आर वन आर टू लाने हैं यहाँ, तो आर वन आर टू वाला त्रिभुज यूज करना पड़ेगा, ये बात देखो यूज हम वही कर रहे हैं, त्रिभुज चतुर्भुज त्रिभुज चतुर्भुज शीर्ष अभिमुख कोण, इसलिए सारी जो बातें वो नॉर्मल है। यहां से देखें तो इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, तीनों कोण कौन से है, एक तो आर वन है, दूसरा आर टू और तीसरा कौन सा है पी क्यू आर, ये है, ये इसमें भी आ रहा है पी क्यू आर, कट जाएंगे ये, ठीक है। तो किससे बाय ट्राइंगल कौन सा पी क्यू आर, ये है ना, तो इसमें एंगल एक तो आर वन हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया पी क्यू आर, तीसरा एंगल हो गया आर टू, ठीक है, एंगल से लिख लो चाहे डायरेक्ट लिख लो, तीनों का योग कितना है 100। अब दिखाई दे रहा है 5 और 6 से क्या दिखाई दे रहे हैं कि अगर इनके आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी बराबर, या ये कहते हैं भाई 180 की जगह 180 के बराबर कितना ये है ना, इसकी जगह ये रखते हैं, तो 5 और 6 से क्या आ जाएगा एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ पी क्यू आर, और इधर 180 की जगह ये पूरा मान रख दें आर वन प्लस एंगल ऑफ पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गए, क्या आ गया ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। इन रिलेशन का आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हम फिर आगे के जो टॉपिक करेंगे प्रिज्म से रिलेटेड उनमें हम डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर हम बात नहीं करेंगे भाई कैसे आया,
आ गए, दोबारा प्रूफ करना है, दोबारा आप कर लेंगे। ए इज इक्वल टू क्या गया, आर वन प्लस, यही तो चाहिए था अपने को, आर वन प्लस आर टू। ऐसी वैल्यूज है जो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रायंगल के इंटीरियर साइड में है, इनको हम बता नहीं सकते, इसलिए इनको रिप्लेस करना पड़ेगा इन गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज इज अ 4 आई ई डेल्टा एंड ए। तो अपने इसको आर वन प्लस आर टू को हटा दे यहाँ से, तो उसकी जगह क्या रख दे, ए रख दे। आगे से आर वन ये समीकरण, ठीक है, तो ये ए का जो मान है आर वन प्लस आर टू समीकरण 4 में रख दो, तो बाय इक्वेशन 4 क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ऐसे लिख दो और बाकी कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए को इधर ले आओ, एग्जाम ऐसे लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए, ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा ए, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, सिद्ध कीजिए, हो गया सिद्ध। थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे पूछते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म से विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योग हमेशा आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होते हैं, सिद्ध करो। तो अपने को ये पता होना चाहिए क्या पूछना चाह रहा है, हमें तो थ्योरी दे दी, लैंग्वेज दे दी, कि सिद्ध करो कि विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हमें पता होना चाहिए विचलन कोण डेल्टा होता है, प्रिज्म कोण ये होता है, आपतन कोण आई होता है, निर्गत कोण ई होता है, ठीक है। तो आता है रिजल्ट, वो आप इसे लिख सकते हैं, आता है विचलन कोण व प्रिज्म कोण का योग आपतन कोण व निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। अब इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ बातें डायरेक्ट यूज करेंगे, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, और ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इन सभी रिलेशन का डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और आगे के टॉपिक्स में भी इनका यूज हम करेंगे। इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, लिख लें, नोट्स बना लें, तो दो दो एक एक दो दो बार आप इसको खुद भी करके देख लें, तो कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दें, उसको हम आगे फिर सॉल्व कर लेंगे। बाकी बातें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।